गाइस, अगर आप चाहते हो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पर आपके पास सही नॉलेज नहीं है, तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले सही नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए अप स्टॉक्स आपको यहाँ पे दे रहा है 1000 रुपीज का स्टॉक मार्केट कोर्स बिल्कुल फ्री में। तो बेहतर है कि आप पहले इन्वेस्ट करने से नॉलेज गेन करें। देखो यार, जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपको 100 रुपीज से कम करनी है। एंड यस, आपको यहाँ पे डीमैट अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा। और अब स्टॉक्स आपको इस वक्त डीमैट अकाउंट जो है वो फ्री में ओपन करके दे रहा है। एंड यस, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। यहां पर आप कितनी भी ट्रेडिंग करो, अब स्टॉक्स के ऊपर फर्स्ट 30 डेज के लिए कोई भी ब्रोकरेज फीस नहीं लगती। सबसे अच्छी चीज है कि यहां पर आप ट्रस्ट यहां पर बना सकते हो, रिलायबल रह सकते हो, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर जो है वो है रतन टाटा। देखो यार, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या फिर आपको कोई भी डाउट्स है तो वो आप क्लियर कर सकते हो। इनकी जो टीम है अपस्टॉक्स की, वो आपको डायरेक्ट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर लेगी। देखो यार, अगर आप अभी यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करते हो तो 4000 तक के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो यार, ये एक लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पर अपना फ्री अकाउंट खोलिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर उसका यूज करिए। हे गाइस, कैसे आप सब? नीचे कमेंट्स में जरूर से बता देना। एंड यस, पोको X3 में एक नया अपडेट आ गया है जो कि MIUI 12.0.5.0 का अपडेट है। एक तो इतने सारे पॉइंट लगा देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है। चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि उनको 0.2 का अपडेट आ रहा है, पर मेरे पास आया 0.5 का। एंड ये जो अपडेट है उसका डाउनलोड लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, क्योंकि OTA अपडेट अभी तक मेरे पास नहीं आया था, लोगों के पास आ गया था, उन्होंने डाउनलोड लिंक शेयर किया, मैंने डाउनलोड कर लिया। एंड आपको मैं कहूँगा ये अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मेजर इंप्रूवमेंट्स भी आई हैं और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अच्छी कर दी गई हैं। तो बताता हूँ आपको धीरे धीरे क्या चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सिक्योरिटी पैच को अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर हमें अक्टूबर का मिल गया है, यानी कि लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल चुका है। तो यहाँ पर ये एक काफ़ी अच्छी बात है। तो अगली चीज़ मैं यहाँ पर बात करूँगा, कुछ फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग। हम कह रहे थे डायरेक्ट कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाए तो मज़ा आ जाए, तो अब आप किसी को भी फ़ोन करोगे तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और कि ये ज़ोर ज़ोर से बोलता है कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो कि प्रॉब्लम मोटरोला के फ़ोन में भी था, जो कि वन फ्यूजन प्लस में, इसमें भी वही प्रॉब्लम है भाई। ज़ोर ज़ोर से बोलता है, सामने वाले बंदे को पता चल जाता है कि कॉल रिकॉर्डिंग चल रही है। तो मतलब इसका क्या मतलब है भाई? तो यार, देना है फीचर तो सही से दो, ये कौन सी हरकत है? तो यहाँ पे अगर हम कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, सामने वाले को पता चल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है करने का, बट फीचर दे दिया गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ कि इसमें फ़ोन में वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा थी, हमने आपको बताया डुअल स्पीकर्स हैं, बट प्लास्टिक बैक पीछे से थोड़ी होलो है, जिसके कारण वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा फील होती है। तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया है इन्होंने, और यहाँ पर मेरे को वाइब्रेशंस अभी भी फील हो रही हैं, पहले से कम है, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। कंट्रोल सेंटर थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूव किया है, लैंडस्केप मोड में खुल जाता है। हाँ, अगर आप यहाँ पर फ़ोन को लैंडस्केप मोड में यूज करते हो, ऑटो रोटेशन आपकी ऑन है, तो आपका जो कंट्रोल सेंटर है उसको आप लैंडस्केप में चला सकते हो। ये एक अच्छा अपडेट है। तो यहाँ पर मेरे को ये बड़ा सही लगा, जब लैंडस्केप में इसको खोलता हूँ ना, इसकी लुक बड़ी प्यारी आती है, तो आप भी इसको यहाँ पे इंजॉय करोगे, तो ये चीज़ आप नोट कर लो। ओके, तो स्क्रीन फ्लिकरिंग की इशू कईयों को आई थी और मेरे कुछ दोस्तों को भी थी, तो मैंने उनकी वीडियो को देखा है, वो तो कह रहे हैं कि स्क्रीन फ्लिकरिंग की इशू चला गया है। अब मेरे फ़ोन में स्क्रीन फ्लिकर हुआ ही नहीं आज तक, तो मैं इसको बता नहीं सकता, और आज के टाइम पर भी ये फ्लिकर नहीं हो रहा है अपडेट के बाद। तो मैंने कुछ की वीडियो देखी है, वो कह रहे हैं कि स्क्रीन फ्लिकरिंग जो है वो यहाँ पर फिक्स हो चुकी है। बाकी आप मेरे को बताओ, अगर आपने अपडेट कर लिया है तो ये क्या फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बताना। कैमरास इंप्रूव कर दिए गए हैं, जैसे कि हमें पता ही है इसके वन ऑफ द बेस्ट कैमरास हमें मिलते हैं 20,000 के नीचे, बट इसे अपडेट के थ्रू और थोड़ा इंप्रूव किया गया है, जो कि अच्छी बात है। मेन चीज़ यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड कैमरा, अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो जो कलर शिफ्ट आता था वो कम हो गया है। अभी कलर शिफ्ट जो ऐसा लगता है कि जैसे कि नॉर्मल कैमरा पर जो कलर्स थे वैसे ही अल्ट्रा वाइड में लग रहे हैं, तो ये एक काफ़ी सही काम किया इन्होंने। ओके, तो नेक्स्ट इंप्रूवमेंट जो है वो ये है कि UI काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दी गई है। अब हमें 120Hz तो मिलता है, बट कहीं कहीं पे लैग देखने को मिलता था UI के अंदर, जैसे कि हम नोटिफिकेशन पैनल खोल रहे हैं स्पेशली तब आता था, बट अभी मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ कि वो वाले लैग्स खत्म हो गए हैं। अभी UI जो है वो और ज़्यादा स्मूथ हो गई है, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। आप मेरे को कौन से बताना, अगर आपने अपडेट कर लिया है तो आपको ये लैग्स कम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ठीक है? तो गाइस, ये था सारा के सारा अपडेट हमारे पोको X3 के लिए 12.0.5.0 का, एंड इतना बड़ा अपडेट दे दिया। ठीक है, अपडेट के बीच में इन्होंने कुछ लिखा नहीं था, इतना लिखा था स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस के लिए हम इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, और कुछ नहीं लिखा था, बट जैसे जैसे यूज़ कर रहा हूँ तो पता चल रहा है कि हाँ, कुछ चीज़ें इन्होंने इम्प्रूव की हैं।
डेफिनेटली बढ़िया लग रहा है। तो अपडेट आए तो ऐसे आएगी यार, चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए। बाकी ये कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर और ठीक हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो गाइज इतना ही था इस वीडियो में, आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना मेरे चैनल में रखिए ख्याल, की स्माइलिंग एंड ऑलवेज टेक केयर गाइज, लव यू, बाय बाय। एंड गाइज डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर अपस्टॉक्स, जहां से आप फ्री डीमैट अकाउंट बना सकते हैं।